ये व्हाइट वाली जो नॉब है, ये पानी आना स्टार्ट हुआ। यस, अंदर से भी इसको साफ करना होगा। ओह, बहुत काई काई है इसके अंदर तो। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ IFB 3-in-1 मशीन जो गर्म पानी में कपड़े धोकर कपड़ों को पूरा सुखा के बाहर निकालती है और उसमें बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स है, इसमें कुछ चीज़ें जो इस मशीन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और मैं दिखा दूँ आपको कि ये मशीन जब मैंने ली थी तो किस तरह थी। आपको ये वॉशर ड्रायर फुली ऑटोमेटिक डंबल वॉश हॉट वॉश 60% पानी बचाती है और 60% साबुन बचाती है। तो ये है वो वॉशिंग मशीन जो कि हमें अलग अलग नंबर्स पर कपड़े सुखाकर देगी और 99% कपड़े इसमें सूखे हुए मिलते हैं। ये सारा सामान इसमें लगाया जाएगा जैसे कि स्टैंड वगैरह। भैया तो भैया तो आएगा बाहर, आप तो वो ज्यादा ना गंदगी में चलाओ क्योंकि ये पानी प्रेशर ज्यादा है, क्या करूं। अब इसको क्लीन कैसे करेंगे? नीचे से नीचे पानी घुस गया ना, क्योंकि कपड़ा तो लगा दिया। ठीक है, दिस इज फॉर बटन ऑन के लिए। ऑल प्रो है, व्हाट डू यू वांट प्रो है? एक्सप्रेस 15। IFB वॉशर ड्रायर की मैं पूरी सीरीज़ अब आपके साथ शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। और यहाँ पर भी मैंने पूरा वॉशिंग एरिया क्रिएट किया है, वो किस तरीके का है ये मैं फिर दिखाऊंगी। आज मैं दिखा रही हूँ आपको इस मशीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिल्टर। ये वाला देखिए कितना गंदा हो चुका है और ये कैसे पैकिंग में आता है, किस तरीके से इसको क्लीन करना होता है, ये चीज़ें मैं आज आपको अभी आगे के हिस्से में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। आप इधर ही छोड़ दो। वेस्ट टूथब्रश है। व्हाट? वेस्ट टूथब्रश। वेस्ट टूथब्रश। हम लोग नहीं कर सकते ना इसको? सोप तो नहीं चाहिए, लिक्विड सोप। हम एक्सपर्ट्स को जब घर में बुलाएंगे तो वो आने का चार्ज करते हैं, पार्ट्स के पैसे तो देना ठीक है लेकिन अदरवाइज़ हम ये सारे काम खुद कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि IFB मशीन को किस तरीके से हम घर में ही अपने आप पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से इसमें कपड़ों को धोया जाता है और अगर हम चाहें तो वीडियो कॉल पर इनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको खोलने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ नीचे कपड़े बिछाने होंगे, मैले कपड़े, क्योंकि ये पानी छोड़ सकता है। यहाँ से पानी निकलेगा काफी जोर से क्योंकि इसके अंदर हमेशा थोड़ा सा पानी रहता है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेती हूँ, इसको तो मैं हटा ही देती हूँ। ये हो गई सेटिंग और अब मैं इसको यहाँ से खोलूंगी इसको प्रेस करते हैं इस तरफ, ऐसे हो जाता है ये। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाइट वाली जो नॉब है, ओह अब यहाँ से पानी निकल सकता है, ये पानी आना स्टार्ट हुआ। इतना पानी इस 3-in-1 मशीन में हमेशा रहता है। 3-in-1 मशीन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इसमें कपड़े 100% 99% ड्राई भी हो जाते हैं।
इसको बंद करके एक बार इसको मैं फेंक देती हूँ। दोबारा लगाते हैं इसको। अब तो थोड़ा ही होगा पानी। यस, लिंट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ये खुद में बहुत गंदा है तो मुझे इसको साफ़ करना होगा और यहाँ से भी अंदर से भी इसको साफ़ करना होगा। ओह, बहुत काई काई है इसके अंदर, तो ये देख सकते हो आप। इसकी पूरी क्लीनिंग जब यहाँ पर एक्सपर्ट आए थे उन्होंने मुझे करनी बताई थी तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर इसको खुद मैं ब्रश से साफ करती हूँ और देखो आप नीचे से कितना गंद निकल के आ गया है इसमें से। तो इतना एक टब पानी इस IFB मशीन में हमेशा रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको खोलने के समय हमेशा यहाँ कपड़े फंसा दें और यहाँ एक छोटा सा टब रखें ताकि वो पानी डायरेक्ट इसमें आ जाए और यहाँ आसपास गंदगी कम फैले। इस वॉशर ड्रायर के सारे इस्तेमाल, इसको मेंटेन करने के सारे तरीके अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और अब आगे से मैं ये सब चीज़ें खुद ही करने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अगर ये ख़रीदना चाह रहे हो, ले चुके हो, तो आप देख लो, जान लो प्रैक्टिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। और अब इस मशीन को भी किस तरीके से स्टरलाइज करना है ये भी हम देखेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इसकी शेयर करके स्टार्ट कर दिए सीरीज़। अब आप देखिए कि इसको स्टरलाइज कैसे कर रहे हैं। इधर आठ पैकेट डालो। ओके, हाँ इधर आठ पैकेट। टू पैकेट वन टाइम ना। हाँ, इसको रबर है ना। हाँ, रबर थोड़ा ओपन कर दे। ठीक है, इसको आठ पैकेट डालो। अच्छा, इनसाइड ड्रम को आठ पैकेट डालो। ठीक है, मशीन ऑन करो। इसको मिक्सर ड्रिल में सेट कर दिया। ओके, इसका टेंपरेचर यू गिव विद अ 40 डिग्री टेंपरेचर है। 40 डिग्री टेंपरेचर, इस टेंपरेचर है ना, तो इसका दे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री सेट कर दो। ठीक है, आपको स्टार्ट। अच्छा, ओके, वन आवर चलेगा ये ना। वन आवर चलेगा, आफ्टर खत्म हुआ इसको हम हाफ एन आवर ओपन कर दिया। डॉग अच्छा, बैड गंदा स्मेल आ रहा है। ओके, अच्छा। और इसको कितने दिन में करूं मैं नेक्स्ट टाइम? डेली वॉश होता है? टू मंथ, आफ्टर टू मंथ। ठीक है, ओके। इस वॉशर ड्रायर में इस्तेमाल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया प्लीज़ वही यूज़ कीजिएगा और कोई सामान लोकल मत लीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस में आई एक और नई चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। व्हाट कैन आई डू मनोज राइट नाउ? कैन आई प्रेस दिस मैसेज में?